नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिशन 2030 में, जहां पे हम चर्चा करते हैं ऐसे स्टॉक्स की, ऐसे शेयर स्क्रिप्ट की जो फ्यूचर मल्टी बैगर हो सकते हैं। फ्यूचर मल्टी बैगर आप ज्यादातर देखते हैं, मेरी रिकमेंडेशन माइक्रो साइज, माइक्रो कैपिटलाइज जो स्टॉक की होती है या फिर स्मॉल कैप साइज की स्टॉक होती है, क्योंकि मैं बेट ऐसी चीजों पर कर रहा हूँ जो कम से कम लॉन्ग टर्म होल्डिंग में 5x का रिटर्न दे। तो उसी को आगे देखते हुए दोस्तों, जो मैंने चीज आपके साथ शुरू किया है, आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या कहते हैं, मेरा चैनल है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रिकमेंड किए आपके पास 5 stocks under ₹10, ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने एक स्टॉक आपके साथ 5 stocks शेयर किए हैं जो कि under ₹100, ठीक है, और 5 stocks आपके साथ शेयर किए थे जो कि ₹50, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं वीडियो लेके आऊंगा 5 stocks, ठीक है, under ₹150, फिर उसके बाद 5 stocks under ₹200, ठीक है। ऐसे स्टॉक की रिकमेंडेशन जारी रहेगी, ये सीरीज जारी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, बहुत बेहतरीन रिकमेंडेशन है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है फ्यूचर के, आपको मल्टी बैगर, न्यू मल्टी बैगर आप कह सकते हैं। देखिए, मैं कभी आपके साथ ऐसे स्टॉक डिस्कस नहीं करूंगा जैसे विप्रो, ठीक है, अरे सबको पता है बढ़िया स्टॉक है, टाटा स्टील सबको पता है भैया बहुत दमदार स्टॉक है, TCSS, इंफोसिस सबको पता है बहुत बढ़िया स्टॉक है, HUL, इन्होंने तो ऊपर जाना ही जाना है, पर हमको ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुके हैं, जिनकी जिनके अंदर लोगों की जानकारी कम है, जो मेरी पर्सनल रिसर्च है, जो मैं इधर उधर खोजता रहता हूँ, वो चीज आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक आपको बना के दे रखे हैं। 2 portfolio भी शेयर किए हैं, एक 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो, एक 1 lakh rupees का पोर्टफोलियो, एक मात्र 60 रुपए का स्टॉक जो आपको बहुत जबरदस्त पैसे बना के दे सकता है, और ये बस अभी ये 5 stocks मैंने आपके साथ शेयर किए जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है 2030 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। तो ये वीडियो भी मिस मत करिएगा। आइए, पर ये सब चीजें शेयर करने के बाद काफी लोगों ने कमेंट किए, काफी लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा कि भैया ये तो मतलब आप SIP के स्टॉक भी तो बताओ, आप ऐसे स्टॉक बताते हो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वो बहुत माइक्रो साइज के रहते हैं, हमको ऐसे चाहिए कि हर मंथ खरीद सके, तो ये वीडियो उसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि स्टॉक बिल्कुल फिर वैसे नहीं है कि आप बोले मिड कैप, सारे स्मॉल कैप साइज के ही स्टॉक हैं, और सब के सब आप हर मंथ SIP कर सकते हैं, हर मंथ SIP कर सकते हैं, बिना ड्रे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया पैसे आपके, अगर आप 3 से 5 साल भी होल्ड करके रखते हैं, 5x से 10x किसके बीच में बनने की उम्मीद, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो का दे दिया है। सबसे पहला स्टॉक पराज इंडस्ट्री, भैया इथेनॉल की जो अपने इंडिया के अंदर चीजें चल रही हैं, जो अपना गवर्नमेंट का एम है कि नेट एमिशन जो है वो जीरो करना है हमें आगे आने वाले टाइम में, और इसके लिए डिपेंडेंसी जो है अपनी, हम देखिए हम अभी जो इकोनॉमी है हमें कार्बन इकोनॉमी, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या कहते हैं सोलर सेल से ही सब कुछ कर लेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही सब कुछ कर लेंगे, ग्रीन एनर्जी से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उस पे बेस, अरे ये तो बहुत छोटे छोटे स्केल पे चीजें शुरू भी नहीं हुई अच्छे से, ठीक है। तो और आपकी डिपेंडेंसी, हम बिगेस्ट वो क्या कहते हैं वन ऑफ दी वो इम्पोर्टर है किसके, क्रूड ऑयल के, अरे भैया जब तक क्रूड ऑयल पे चीजें डिपेंडेंट है, जब तक कुछ नहीं बदलने वाला, जब तक कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को घटाने के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्रूड ऑयल में अब एक चीज मिलाने के लिए जो गवर्नमेंट सोच रही है, जो हम आपको देखा है वो है इथेनॉल। अब इथेनॉल बनता है भैया शुगर वाले जो स्टॉक्स है वहां से ये चीज निकलती है, और इसकी परसेंटेज जो है रिफाइन कर करके अब ये जो अपना पेट्रोल डीजल इन चीजों में क्रूड ऑयल में वो बढ़ती जा रही है 8%, ठीक है, अभी मेरे ख्याल में 5 से 8% के बीच में, इसको बढ़ा बढ़ा के एक दिन 20% करने का एम है अभी हाल फिलहाल आने वाले टाइम में। तो उसमें जो सबसे अग्रसर है कंपनी,
अब भैया जो इथेनॉल बनाएंगे उनको तो बहुत फायदा होगा। इस स्टॉक का नंबर वन पोजीशन, तो आप सोच लीजिए क्या स्कोप है, क्या दम है इस स्टॉक में ऊपर जाने के लिए। स्मॉल कैप साइज 7,000 करोड़ के अंदर की कंपनी है, करंट प्राइस 372 का है। होता क्या है, ये 450 जाके वापस कई बार मुड़ चुका है, तो जब ये 450 के ऊपर होल्ड करने लग जाएगा तो ये स्टॉक आपको कब 800 चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, 37.2 की पी है, बट आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17%। और आपको हाल फिलहाल में बता दूं, इसका एक प्लांट इनोग्रेट भी किया है पीएम ने, जिसमें इथेनॉल का अपना वो प्लांट है। ये देखिए, इट बिगेन एज ए सप्लायर ऑफ एन इथेनॉल प्लांट, टुडे इट इज ए ग्लोबल कंपनी प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशन विद ए फोकस ऑन द एनवायरमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री, एंड 75 कंट्रीज के अंदर इसका प्रेजेंस है। ठीक है, तो बहुत दमदार कंपनी है, छोटी कंपनी है, यहां से ही इन्वेस्ट करके चलिए। ठीक है, यहां से ही इन्वेस्ट करके चलिए। मिशन 2030 में मेंबर्स के साथ हमने इस स्टॉक को 300-320 के बीच से पकड़ा हुआ है, और हम इसको 2030 तक पकड़े रखेंगे, ये बिजनेस पिटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं अगला स्टॉक है जी भैया, कॉमोडिटी सेक्टर में नंबर वन स्टॉक है आज की डेट में इंडिया के अंदर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। अगेन स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, यहाँ पे आगे दिख रहा होगा, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, 13.2 का करंट प्राइस है। ये भी हमने मिशन 2030 मेंबर के साथ 180 से 200 के बीच होता था, वहां पे मैंने इसको रिकमेंड किया है, मेरे पास भी पड़ा है, कुछ लोगों ने 220 पे भी पकड़ा है, कोई यहां पे भी बाय करता है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ती है। ठीक है, चलो मैं बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मिशन 2030 मेंबर का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है, आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग दी जाएंगी, चार्जेस आर जस्ट 15K फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स टिल 2030 दिसंबर तक, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं इन जस्ट 15K फॉर नेक्स्ट 8 ईयर, जिसमें आपको पर मंथ SIP कहाँ करनी है, मेरी पर्सनल रिसर्च, कोई स्टॉक कोई कैसा, ठीक है, वो आपको वहां बता दिया जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिए, कौन सा स्टॉक बढ़िया है, वो काफी कुछ है उसमें, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां पे। तो ये स्टॉक बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ROE देखेंगे 30.4% की, ROE देखेंगे 25% की, बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत बढ़िया है, मेरा तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट इस स्टॉक पे लगा हुआ है। ठीक है, अगला स्टॉक आता है दोस्तों IT सेक्टर का। देखिए IT सेक्टर है तो एवरग्रीन सेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, IT सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, और जो आजकल मशीनरीज का यूज हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप देखेंगे भैया फ्यूचर इज द AI, ठीक है, कोडिंग प्रोग्रामिंग ये चीजें ही है। आप, मैं तो बैट कभी नहीं करूंगा कि TCS का स्टॉक बाय कर लूं, कभी बैट नहीं करूंगा इंफोसिस का स्टॉक। हाँ, अगर ये मार्केट कभी को क्रैश हुआ, TCS मुझे 2000 के आसपास मिला, तब जरूर मैं दाव लगा दूंगा भैया, क्योंकि लार्ज कैप है और एक ऐसी चीज है जो पिट ही नहीं सकती, ठीक है, आंख बंद करके। पर अभी अगर मुझे कुछ बाय करना है जहां पे निफ्टी पूरा मार्केट ATH पे है और मुझे पर मंथ SIP के लिए स्टॉक चुनना है, तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन बहुत बढ़िया स्टॉक है, एक IT कंपनी है, 52 वीक हाई आप देखेंगे 191 तक का है, 52 वीक 93.0 का है, और अभी बनाया है इसने जब ये IT के स्टॉक पिटे हैं। ठीक है, मिड कैप साइज स्मॉल कैप साइज ज्यादा गिरते हैं तो ये मोर देन 50% गिर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका विप्रो भी 50% से ज्यादा गिरा है भाई, ठीक है, इन्फोसिस में भी 30-40% की गिरावट है, 1900 प्लस 2000 के लगभग का हाई था और 1350-80 तक उसने लो बनाया, ठीक है, 30-40% तो वो भी गिरा है। तो ये स्टॉक पे मैं बैट करना चाहूंगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त है और स्मॉल कैप साइज का है, तो ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है स्कोप की, और पैसे का जो कंपाउंडिंग है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक मेरा SIP स्टॉक रहेगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जब मैं आज की डेट में बाय करता हूँ IT की, बहुत जबरदस्त कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तीन स्टॉक अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथा स्टॉक आता है BLS इंटरनेशनल। ये स्टॉक हमारे स्प्लिट होके हमको 1:3 दो बार दे चुका है। देखिए ये
2020 में कोविड के कारण इसका धंधा पिट गया, 2021 में भी ये स्टॉक चला, पर 2022 में ये स्टॉक दो बार 180 के भाव से 350-360 जाता है, फिर उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, 180 आ जाता है, फिर 180 के भाव से फिर 350, फिर 360 गया, वहां से फिर स्प्लिट होके दोबारा 191। तो हमारे मिशन 2030 के मेंबर के पास तो एक की जगह तीन स्टॉक हो गए हैं उसके आज की डेट में। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट, ठीक है, वीजा और ये पासपोर्ट सर्विसेज एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग, ये देखिए वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग मोनोपोली एक तरीके से, विद इट्स प्रेजेंस इन वीजा पासपोर्ट कंसुलर सिटीजन सर्विसेज विद 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट एंड प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू 2325 ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड ये कंपनी भैया, थोड़ा सा धंधा मंदा रहा पर मोनोपोली टाइप की कंपनी है, वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट इसके 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट है इस कंपनी के। थोड़ी सी वैल्यूएशन यहाँ पे 54.5 स्ट्रेच हो गई है, पर इसको मत छोड़िए, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा बना के देगा स्टॉक अभी भी। जहां ये दो बार स्प्लिट हो चुका है 180 से, जैसे ही ये डबल की तरफ जाता है 350 से, इसको स्प्लिट कर दिया जाता है 170 के आसपास लेके आ जाते, और दो बार हो चुका है। तो हमने तो जहां पे इसका एक स्टॉक बाय किया था आज की डेट में, उसी रेट पे हमारे पास तीन स्टॉक। तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। दुनिया देखिए छोटी होती जा रही है, एक देश से दूसरे देश जाना आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वीजा सर्विसेज का इसका बिजनेस है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है ये आपको ROC और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप दिखा दें। करंट प्राइस 191 का है, बहुत उम्दा स्टॉक है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं, SIP करके चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हर मंथ बाय करते जाइए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगला स्टॉक आता है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अगेन भैया देखिए, नेक्स्ट जो 10-20 ईयर्स है ना, उसकी थीम जो रहेगी वो सबसे पहली तो रहेगी भैया ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस की थीम रहने वाली है। और मैं आपको बताऊं, चलिए हॉस्पिटल सेक्टर भी बहुत बढ़िया काम करेगा अगले आने वाले टाइम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा थीम बहुत चलेगी, जो बुनियादी ढांचा है देश का वो सुधारने के लिए, तो उसमें अब रिन्यूएबल में ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। इस स्टॉक को भी हमने मिशन 2030 के मेंबर के साथ 300 से 350, लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, वहां से इसको पकड़ा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7000 के करीब है, करंट प्राइस 528 है, 47 की पी है, और कंपनी ने क्या दमदार रिजल्ट किए अब दिया, आप देख सकते हैं ROC 27.2%, ROE 23.7%। कंपनी करती क्या है, देखिए सोलर सेल जो लगते हैं अपने देश के अंदर, तो सोलर सेल के ऊपर जो ग्लास यूज होता है, ठीक है, उसके अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी की मोनोपोली है उस ग्लास के, ठीक है, मोर देन 60% जहां इंडिया के अंदर सोलर सेल लगे हुए हैं उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो ये कंपनी बनाती है, बोरोसिल रिन्यूएबल। तो ये है दोस्तों पांच स्टॉक जिसमें आप SIP हर मंथ करके चल सकते हैं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं, नीचे के भाव से हमने पकड़े हुए हैं। अगर आप मुझसे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और आप हर मंथ SIP करके चल सकते हैं। और पहले आपसे सलाह यही है, गुजारिश आपसे यही है कि भैया किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, फैमिली मेंबर से, दोस्त से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं एजुकेशनल के पर्पज से बनाई है और आपको एजुकेट करने की ही कोशिश की है। इन्वेस्ट करने से पहले किसी से फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो बहुत सारे स्टॉक रिकमेंडेशन में लेके आता रहूंगा। आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हैं, आपको कुछ समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ के उसके बारे में रिसर्च करके थोड़े फंडामेंटल चेक करके आपको बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। फिलहाल के लिए
क्या कहते हैं आगे दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, बेस्ट 5 स्टॉक अंडर 150 रुपीज, ठीक है। पर काफी दिन से क्वेरी आ रही थी कि SIP के स्टॉक बताओ कि मसाला एक बार पकड़ ले और इन्वेस्ट करते जाए, तो ये 5 स्टॉक है, सारे के सारे स्मॉल कैप साइज के स्टॉक है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो लार्ज कैप का हो। आपने देखा होगा सबका मार्केट कैप साइज छोटा है, तो ये लार्ज चीज पकड़ो स्मॉल कैप, जो बनने का दम रखे लार्ज कैप, तब कंपाउंडिंग का मजा है। जब 200 का स्टॉक 1,000, 1,500, 2,000 जाएगा ना, तब पैसे का कंपाउंडिंग का मजा है, ठीक है, तब कंपाउंडिंग का मजा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।